अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी राशि के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा किस चीज का शिवलिंग से अभिषेक करना है ताकि आपके पास बेनिफिट रहे। तो मेष राशि वाले लोगों को चीनी और शहद से अभिषेक करना है, ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि वाले लोग थोड़े से गाय के दूध से अभिषेक करें, आपके काम सिद्ध होंगे। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोग शहद से अभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। कर्क राशि वाले लोग दूर्वा और मदार पीस कर अभिषेक करेंगे तो आपकी बीमारी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे। सिंह राशि वाले लोग पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और एक या दो चम्मच ही। कन्या राशि वाले लोग थोड़े से गुड़ और घी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी और रास्ते आसान होंगे। तुला राशि वाले लोग दूध या गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो सारे कामों में सक्सेस मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले लोग शहद, घी और चीनी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, इससे धन की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले लोग, बेसिकली धन की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि वाले लोग गुड़ या गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो फायदा होगा। कुंभ राशि वाले लोग जल में इत्र या गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर अभिषेक करने से सभी तरीके के रोग दूर होंगे। मीन राशि वाले लोग मदार की जड़ या दूर्वा पीसकर अभिषेक करेंगे तो ग्रह शांति होगी।